नमस्कार। इसके पूर्व भी मैंने आपको संबोधित किया है और बिहार में कोरोना महामारी के संबंध में जानकारी दी है। अभी भी दुनिया और देश भर के अन्य लोगों की तरह बिहारवासी भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित किया गया है। लॉकडाउन में बिहारवासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और जनता द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि अब मरीजों की संख्या में कुछ दिनों में कमी आ रही है। 25 मई के पूर्व लॉकडाउन के संबंध में हम लोग फिर से आपस में बैठकर आगे के लिए शीघ्र आवश्यक निर्णय लेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आज से चलंत आरटीपीसीआर टेस्टिंग वैन को रवाना किया गया है, जिससे कोरोना में जांच की गति और बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की ट्रैकिंग हिट कोविड नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। इस व्यवस्था में स्वास्थ्य टीम द्वारा नियमित तौर पर घर घर जाकर मरीजों का ऑक्सीजन लेवल एवं शरीर का तापमान लिया जा रहा है। इसका अनुश्रवण केंद्रीकृत तरीके से किया जाता है। एक नई बीमारी ब्लैक फंगस को राज्य सरकार ने भी महामारी घोषित किया है। आईजीआईएमएस एवं एम्स पटना के साथ साथ कई सरकारी और निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध कराई गई है। कोरोना संक्रमण की दर में यद्यपि कमी हो रही है, किंतु भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हम सबों को पूरी तरह सचेत एवं सतर्क रहना है। डॉक्टरों की सलाह एवं सुझाव को मानना चाहिए। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक है कि लोग मास्क लगाएं, दो गज की दूरी बनाकर रखें, हाथ साफ रखें और समय आने पर टीका अवश्य लगाएं। मुझे विश्वास है कि संयुक्त प्रयास से हम सब इस बीमारी पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।